मालदीव्स की तरह ही खूबसूरत है भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूर तक फैला हुआ ये शांत समुद्र और इसका नीला रंग किसी को भी अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर सकता है। हिंद महासागर में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं। अंडमान का एक द्वीप रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड, जिसे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से जाना जाता है। रॉस आइलैंड अपने भीतर साम्राज्यवादी इतिहास के काले घने राज छुपाए हुए हैं। यहां पर 19वीं सदी के ब्रिटिश राज के खंडहर, इस द्वीप और हिंदुस्तान के एक काले अध्याय के गवाह के तौर पर मौजूद हैं। 1857 में भारत की आजादी के पहले संग्राम के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने बागियों को अंडमान के सुदूर द्वीपों में लाकर कैद रखने की योजना बनाई। 1858 में 200 बागियों को लेकर एक जहाज अंडमान पहुंचा। उस वक्त सारे के सारे द्वीप घने जंगलों से आबाद थे। इंसान के लिए वहां रहना मुश्किल था। महज 0.3 वर्ग किलोमीटर के इलाके वाला रॉस आइलैंड इन कैदियों को रखने के लिए चुना गया पहला जजीरा था। ब्रिटिश सदी की शुरुआत में ब्रिटिश अधिकारियों ने अंडमान के द्वीपों पर लाकर हिरणों की कुछ प्रजातियों को बसाया था। आज यहां हिरण, खरगोश और मोर ही रॉस आइलैंड के बाशिंदे हैं। यहां आने वाले सैलानियों के लिए ये सब दिलकश नजारा पेश करते हैं।